इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से। बहराइच में डबल हत्याकांड से थर्राया इलाका। घर से 1 किलोमीटर दूरी पर बने मुर्गा फार्म में हुए 60 वर्ष पति पत्नी की हत्या। वारदात से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंचे आईजी उपेंद्र अग्रवाल। अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज शुरू की गई कार्रवाई। तो ही पूरा मामला बहराइच कोतवाली देहात के बहादुरपुरवा का मामला है। यह बहराइच बदमाशों ने दंपति की हत्या धाराधार हथियार से की हत्या। शरीर के अंग काटकर किया अलग। चितौरा विकासखंड के देहात कोतवाली क्षेत्र में बहादुरपुरा का पूरा मामला है। बहराइच जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र में बदमाशों ने दंपति की हत्या धाराधार हथियार से की। इसके बाद शव को कई जगह से काट कर फरार हो गया। सुबह हत्या की जानकारी देते हुए क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एसपी टीम घटना स्थल पर पहुंच गई। तो वही कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुरा गांव निवासी गनी अहमद 50 पुत्र गोबरे मुर्गी फार्म हाउस के संचालन करते थे। घर पर उनके 3 बेटी बिकाऊ यूसुफ आदि परिवार समेत रहते थे, जबकि गनी अहमद अपनी पत्नी के साथ खेत में बने मुर्गा का फार्म हाउस में रहते थे। सोमवार रात को दंपति खाना खाने के बाद सो गए। देर रात बदमाश ने दंपति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद सभी मौके से फरार हो गए। तो वहीं बदमाशों ने हत्या के बाद पैर हाथ के पंजे और जांघ काट दिया। पंजे के काट कर सिर के पास रख दिया। सुबह 8 बजे हत्या की जानकारी होने पर हड़कंप मच गया। तो कोतवाली देहात के साथ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी व पुलिस क्षेत्र अधिकारी डाक स्क्वाड के डेस्क साथ मौके पर मौजूद हुए। पुलिस ने दंपति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कोतवाली सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी हत्या के कारण का पता नहीं चल सका है। देखिए खास रिपोर्ट सुफियान सिद्दीकी के साथ सोनू अहमद की रिपोर्ट। मेरे पिताजी मम्मी फार्म पे रहती थी। फार्म का मुर्गी उर्गी का काम देखते थे। शाम में जो है खेत धान का बिया जो है उनको बोना था। मैं 9 बजे तक वहाँ था। 9 बजे के बाद वो जो है बिया बोने के लिए खेत में चले गए। मैं चला आया घर पे, खाना खा के सो गया। वो रात में कब आए हैं खाना खाए, बड़े भाई के साथ में आए खाना खा के, कब ले गया छोड़ ले मुझे पता नहीं है। क्या लगता है आपको? क्या बताएं क्या लगता है, जो हुआ है वो तो दिख ही रहा है। किसी से कोई दुश्मनी सुनी थी? हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगता है, जानी दुश्मनी किसी से नहीं है। क्या हुआ था? अब हम खाके निकाल दो आवे चले गए। वो बस गुनाह ध्यान में भाग के आए हैं। कोई लड़ाई झगड़ा था आपस में? किसी से नहीं था? कुछ भी कुछ पता है? मतलब कैसे क्या हुआ? सर आप जो है आज कोतवाली देहात स्थल पर बहादुरा क्षेत्र में जो है बहादुरापुर में डबल हत्याकांड हो गया, क्या मामला? कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर में आज सुबह सूचना मिली कि एक दंपत्ति जिनकी उम्र 60 से ऊपर की थी, दोनों ही पति पत्नी अपने मुर्गी फार्म पे रहते थे और रात में भी वहीं थे, तो उनकी गला काट कर हत्या कर दी गई है। यह मुर्गी फार्म उनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे गांव के बाहर स्थित है और वो कई वर्षों से वहीं रहते थे। उनके घर में उनके पुत्र हैं जो वो अपने गाँव के घर में रहते थे। परिजनों ने किसी पर संदेह व्यक्त नहीं किया है, ना ही किसी रंजिश की बात बताई है। उन्होंने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध तहरीर दी है, जिसके क्रम में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। जल्दी घटना का खुलासा कर लिया जाएगा, साथ ही इसमें जो भी संलिप्त अपराधी होंगे उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई।